अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबे विलादत है और 12 रबीउल अव्वल की सुबह दुनिया में एक नवीद लेकर आई जिसमें जुल्मतों के जो अंधेरे थे उनको रोशनियों में तब्दील किया गया। एक ऐसा मुआशरा जहां पर ताकतवर के हाथों इंसानियत की तजलील होती थी, तजहीक होती थी, तहकीर देखने को मिलती थी, वहां पर इंसानियत का दर्स मिलने के बाद एक ऐसा मुआशरा कायम हुआ जहां पर कानून की बालादस्ती हुई, इंसानियत का एहतराम हुआ, औरत को माँ बहन बेटी जैसे जो है वो अलकाब मिले और इन्हीं मुकद्दस अल्फाज से उनकी तकरीम की जाने लगी जिनकी हैसियत ये थी कि उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। नस्ल दर नस्ल गुलाम जो थे उन नस्ल दर नस्ल गुलामों को बराबरी का मकाम मिला, उन्हें एक हैसियत मिली और उसके बाद जो सबसे अहम बात थी, जो निजाम मुतय्यन हुआ, जो निजाम पेश किया गया, उसी निजाम के तहत वो हुकूमतें वो रियासतें भी कायम हुई जिन्होंने इंसाफ का जो है वो बुलंद मकाम दिखाया, आला मकाम दिखाया और एक ऐसे खलीफा और खुलफाए राजदीन का जो दौर या उसके बाद के जो मामलात थे, एक ऐसे खलीफा भी जिन्होंने कहा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कि अगर मेरे दौर में कुत्ता भी फरात के किनारे दरिया फरात के किनारे मर गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। ये वो निजाम था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतारिफ कराया, अल्लाह का पैगाम दिया और पूरी दुनिया में जो है वो इस्लाम फैला, लेकिन उसकी बुनियाद अमल पर थी और वो कानून वो कवानीन जो हमें दिखाई दिए उसके बाद जहां पर एक कुत्ते की मौत पर भी अकाउंटेबिलिटी हो, हम वही मुसलमान हैं और आज एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमारी अपनी मुस्लिम रियासतों के अंदर जो है वो इंसाफ जो है वो दिखाई नहीं देता, बल्कि हमें इंसाफ के लिए जो है वो दूसरे ममालिक के केस स्टडी जो है वो देखनी पड़ती है। ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि हम जो है वो जिनके मानने वाले जिनके पैरोकार उस ट्रैक से हट चुके हैं, लेकिन जो जिन्हें हम बुरा भला कहते हैं, जिनकी तजलील करते हैं, जिनको हम नफरत करते हैं, बेशक उनसे उनके अकीदे की बुनियाद पर हम उनकी मुखालफत करते हैं, नजरियात पे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन उनके माशरों में हमें इंसाफ जो है वो दिखाई देता है। एक बड़ा दिन है, जाहिर है इसकी मुनासबत से चंद एक अल्फाज कहना चाहता था, वो मैंने आपके सामने बयान किए। दूसरी जानब जो हम देख रहे हैं इस वक्त इस मुल्क की हालत यह है कि जहां पर ना ही इस्लाम की जो रियल स्पिरिट है उसको फॉलो किया जा रहा है, उसको समझने की कोशिश की जा रही है, बल्कि अपनी अपनी मर्जी का इस्लाम हर शख्स जो है वो नाफिस करने पे तुला हुआ है। कोई अपने तरीके से मगरिब पसंद इस्लाम पेश करना चाहता है तो कोई शिद्दत पसंद इस्लाम पेश करना चाहता है, बजाय इसके कि एक दूसरे के मौकिफ को सुनकर बर्दाश्त माशरे में उसको फरोग दिया जाए जो इस्लाम का असल पैगाम है, एक दूसरे के खिलाफ सफारा हुए हुए हैं। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो दहशतगर्दी का है हमारे मुल्क में और वो भी जो है वो मजहब के नाम पर हो रही है। गुज़िश्ता रोज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब हुकूमत के एक अहम रुकन जो हैं अमीर मकाम साहब उन पर छह जो माजी में हमले हो चुके हैं, गालिबन शायद ये सातवां हमला था, खुदकुश हमला किया गया और उसके नतीजे में जो है वो महफूज रहे और जो है वो उनके कुछ साथी जो है वो इसमें जहां बहक हो गए। गवर्नेंस की ये हालत है कि एक तरफ हम जो है वो कह रहे हैं कि मुजाकरात हो रहे हैं, मामलात को चला रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो हम पर हमले भी हो रहे हैं, मुजाकरात का कोई स्टेटस हमारे सामने नहीं है, इदारों की निचकारियां करने की बातें सामने आ रही हैं, आवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, इदारों को औने पौने बेचने की स्कीमें मुतारिफ कराई जा रही हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को तसल्लियां दी जा रही हैं, दूसरी तरफ मुजाकरात के नाम पर सिर्फ तिफल तसल्ली है, इसके अलावा और कोई चीज हमें नहीं मिलती। एक तरफ हमारे अफसरान शहीद हो रहे हैं, सियासतदानों को निशाना बनाया जा रहा है, खुल के रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन रियासत के पास सिवाय जो है वो तिफल तसल्ली के दूसरी कोई बात नहीं है और अगर इसी तरह निजाम को चलाते रहे तो किस तरह से ये निजाम आगे बढ़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं आयतुल्ला दुरानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आयतुल्ला दुरानी साहब अपना वक्त देने के लिए। फरीद अहमद पराचा साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी के, हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया फरीद पराजा साहब अपना वक्त देने के लिए। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब होंगे MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हमारे साथ और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इंजीनियर अमीर मकाम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर भी हैं और गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दी का निशाना बने और महफूज रहे। सबसे पहले मैं अमीर मकाम साहब से जो है वो शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम अमीर मकाम साहब, पहले तो बड़ा अफसोस है, दुख है कि जो आपके साथी इस अफसोसनाक वाकये में जान बहक हुए हैं उनसे मुतालिक भी, और यकीनन आप पहले उस पर बात करना चाहेंगे, फिर मैं आपसे जरा जानने की कोशिश करूंगा ये कौन लोग हैं जो हमले कर रहे हैं और क्या मकासद हैं इनके।
शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले जो कल का वाकया हुआ है तो इस पर जो मेरे साथी जो इसमें शहीद हुए और वो साथी मेरे साथ कई सालों से ड्यूटी कर रहे थे, उसके लिए मुझे बहुत दुख है और अफसोस है। अल्लाह ताला उनको जन्नत दे दे और उनके लवाजिम को सबर दे दे। और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जितना मेरा जाती ताल्लुक है तो इससे मेरे आजम में मेरे हौसले में कोई कमी नहीं आई है। और जो मुझे कल अल्लाह ताला ने, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दोबारा एक नई जिंदगी दी, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस नई जिंदगी में मजीद भी मुझे जितना हो सकता है सच बोलना, हक बोलना और हक की बात करना, दिन को दिन कहना और रात को रात कहना, इंशाअल्लाह ताला मैंने माजी में भी रुका है और आज भी कह रहा हूँ और आइंदा भी कहने की भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक है, जरा ये बताइएगा कि बड़ी अच्छी बात की आपने और जाहिर है अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत की, क्योंकि हमने इसी तरह के वाकयात में लोगों को निशाना बनते भी देखा। चौधरी असलम साहब का वाकया भी हमारे सामने है कि उनको भी शहीद किया गया, कराची में निशाना बनाया गया और धड़ल्ले से। ये कौन लोग हैं जो आपको जो है वो निशाना बनाना चाहते हैं? वो वही लोग साफ बात है कि वो मेरा जाति किसी के साथ दुश्मनी तो है नहीं कि मेरे किसी के साथ तो जाति दुश्मनी और मेरे पीछे लगे, मगर वो मेरे पीछे नहीं, वो हर उस आवाज के पीछे लगे और उस शख्स के पीछे लगे जो मतलब है कि हक की बात करे, जो दहशतगर्दी को इस मुल्क के लिए नासूर और लानत समझे और उसकी खातिमे की बात करे। और इससे ज्यादा हमारी तो कोई गुनाह मेरी है नहीं, मेरे अगर सारी जिंदगी देख के अपनी बात खुद नहीं कर लेनी चाहिए, मगर मेरी तो सारी जिंदगी सुबह से रहकर रात तक लोगों की खिदमत में। और इस तरह केसेस भी आए कि बहुत से लोग जो मैं इस बात पर कन्विंस हुआ कि फौज ने पकड़े, हुकूमत ने पकड़े, वही लोग भी गुनाह है इस इल्जाम में, तो मैंने तो उनके लिए रातें रातें गुजार दी, उनको रिहा भी किया है, उनकी सिफारिश लिए गए भी। तो मैं साफ कर नहीं, आदिल भाई साफ बात है, ये वही लोग है, ये और लोग नहीं, वही लोग है जो जिनकी ये ख्वाहिश है कि उनकी मर्जी की सिस्टम चले, उनकी मर्जी की निजाम चले। तो उन लोगों से आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं ना जी? बात करें, मैं कहता हूँ जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बेशक मैं इस बात में मैं कहता हूँ कि मुज़ाकरात ये बात गौर की बात है और आप तफसील से सुने और सारे लोग भी इसको सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे बेहतर जानता हूँ, मगर काफी लोगों से, क्योंकि मैं फील्ड में रहा, हमने ऑपरेशन भी देखे और हमने जंग भी देखे और हमने सुलह और राजीनामे भी देखे और सारे ये मुजाकिरात भी मैंने किए, खुद भी मैंने किए 2007 में हुकूमत की तरफ से कई दिन, 5-6 दिन में इस मौलाना फजलुल्लाह के साथ और दूसरों के साथ मुजाकिरात किए, तो सब कुछ हमने देखे। तो मैं ये बात करूंगा, अगर आज हमारी हुकूमत, सिर्फ हमारी हुकूमत नहीं कह रही पर अगर ऑल पार्टी कैंपस में पूरी तमाम पाकिस्तान की पार्टियों की डिमांड थी और हम भी इसमें शरीक थे कि मुजाकिरात होने चाहिए, और मुजाकिरात की मेन वजह यह कि हम ये समझते हैं कि अगर मलाकंड डिवीजन के लोग, मैं सिर्फ मलाकंड की मिसाल आपको दूंगा, आगे भी कई दे सकता हूँ, मगर मैं प्रैक्टिकल मिसाल आपको दूंगा कि मलाकंड डिवीजन में हम मलाकंड के जो लोग थे, हम इतने सफर हुए, जानी नुकसान हमारे हुई, माली नुकसान हमारे हुए, हम इतना IDPs भी बने, हमारी बहनें माए अपनी अपने अपने घर छोड़कर और अपने इस मुल्क में इतनी इज्जतदार खवातीन हो गई और रिफ्यूजीज बन गई पाकिस्तान के अंदर, वो हालात भी हमने देखे ऑपरेशन के। और मगर मैं ये बात करता हूँ, इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज के कितने लोगों का नुकसान हुआ वो भी मुझे पता है कि कितने जनरल के लेवल के लोग इसमें शहीद हो गए, पुलिस के, IFC के, तमाम फौज के कई जवान शहीद हुए, मगर मैं साथ ये कहूँ था कि वही लोग जिन्होंने ये काम करा दिया उसका भी इसमें इतनी तबाही हुई, उसके खानदान भी तबाह हुए, उसके दोस्त अकारिब जिसके जितने लोग थे, कोई पकड़े गए, किसी के क्या हुआ, किसी कोई भाग गया दूसरे मुल्क में, किसी के क्या हुआ, उसका भी नाम निशान मिट गया और बिलाखिर मलाकंड डिवीजन में फिर भी मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ और ये आपसे बिल्कुल सुनते हैं और ये समझते हैं कि अगर अब आपके ऊपर भी हमला हो रहा है या और हुकूमती अराकीन पर भी होंगे तो फिर मुजाकरात का भी हमें स्टेटस बता दे, फिर किससे क्या बात क्या हो रही है जब वो किसी को भी स्पेयर नहीं कर रहे। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। जी अमीर मकाम साहब, आप बात जरा मुकम्मल कीजिए। अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। जी जी मेहमान बैठे मेरे में से, तो मैं बात यह है कि
वो बात मैं कर रहा था आपकी सवाल मैंने ये थी कि आप मुजाकिरात की बात क्यों कर रहे हैं, हुकूमत को कर लेने नहीं चाहिए। तो मैंने वही बात की कि तो सारी कौम की डिमांड थी और ऑपरेशन की हाल भी हमने देखी थी कि इसमें कितने नुकसान हुए और सबके हुए और उन लोगों के भी हुए जो लड़ रहे और दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको भी कोई फायदा नहीं हुआ, उसको न किसी जिले की हुकूमत मिली और न पाकिस्तान की और न सूबे की, उसके भी बेतहाशा नुकसान हुए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उनको भी समझ लेना चाहिए, उनको भी एहसास कर लेना चाहिए कि हम क्या हुए ना बेगुनाह लोगों के खून बहा रहा है। हम कहते हैं कि उम्मीद है उनको एहसास हो जाए, मगर ये हमारी भी बदकिस्मती है और उनके हमसे ज्यादा बदकिस्मती है कि उनको ये एहसास हो ही नहीं रहा है। और जब और पूरी कौम ने मुजाकिरात की बात की तो पहले दिन जनरल को मारा गया और दूसरे दिन सखवानी की वाकया था और बस के वाकया था और चर्च के वाकया था और ये सिलसिला चलता रहा और आज तक चल रहा है। आप कह रहे हैं तालिबान को एहसास नहीं हो रहा इस बात का, अमेरिका ने अपना हिस्सा भी डाल लिया ड्रोन का, हम सारे इसके खिलाफ है, मगर अगर अमेरिका ड्रोन हमले करते तो वो तो मेरे और आपकी बस की बात नहीं है, तो हम तो उसको न मना कर सकते हैं क्या कर सकते। तो इसकी जवाब में अमेरिकन की जवाब में आप वो सारा गुस्सा अपने बेगुनाह शहरों से निकालना कई इंसाफ का बात है कि किसी को मस्जिद में उड़ा दिया और किसी को जनाजे में उड़ा दिया और किसी बेचारे को बस में उड़ा दिया, किसी को रास्ते में उड़ा दिया। तो ये एक चीज में जो आप बात अपनी जगह आप बात कर रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश हुकूमत की रही है, अगर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, हम सारे करते हैं, तो हमारी ये कोशिश जरूर रही कि इन लोगों को एहसास हो जाए और इस पर आ जाए कि इस मुल्क में मजीद खुनरेजी ना हो। ठीक है, अच्छा सर, आपको भी पहले धमकियां आती रही हैं तभी मेरे तो ये सारी मिसाल आपके सामने है। तो मैं पहले दिन से लेके 2007 तक आज तक जिस तरह हो रहा है तो कोई दिन इस तरह खाली नहीं रहा है, वो तो आपके तो पहले तो वो आपको मुशर्रफ साहब का साथी होने पे निशाना बनाने की कोशिश करते थे, अब क्या मियां साहब का साथी होने की भी सजा मिल रही है? उसके किसी के साथी के साथ कोई काम नहीं है, ये बात मैं बिल्कुल वाजह कर लेना चाहता हूँ कि कोई इस खुशफहमी में नहीं रहेगी कि कौन किसी का साथी है कौन किसी का साथी नहीं रहे। जो भी इस स्टेट का साथी है, जो भी इस मुल्क का साथी है, जो भी सच की बात करना चाहते हैं, जो भी दहशतगर्दी को लानत समझता है, वो सब उन सब लोगों के खिलाफ है। ये ना कहे कि फलाह का साथी और फलाह का नहीं, कोशिश खुशफहमी में रहे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि साथ साथ हुकूमत की भी यह भी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह हमारे केपीके की हुकूमत मैं उन पर कहते हैं कि तनकीद करता हूँ, वो बेजा तनकीद नहीं करता हूँ। तो प्राजा साहब मेरे काबिल एहतराम है, आपके साथ बैठा हुआ है, और इमरान खान साहब की पार्टी के कोई हो, मगर ये रट्टा लगाना कि जो भी बात करते अगर कोई किडनैपिंग होती है, किसी को उठाता है, किसी को मारता है, फिर लाता है, तो कहता है कि ड्रोन की वजह से हो गया। तो अगर किसी के सर में रात को दर्द आता है तो वही हमारे केपीके की हुकूमत कहते हैं कि ड्रोन की वजह से हुआ। यार फिर आपकी क्या जिम्मेदारी है? खुदा के लिए आपकी भी कोई जिम्मेदारी है, रिस्पांसिबिलिटी है, आपकी आवाम की जान माल को की तहफ्फुज़ करना भी आपकी जिम्मेदारी में आता है। अभी लोगों को इतना डिस्करेज न करे कि उसके हौसले बिल्कुल टूट जाए। और लोगों ने अभी पेशावर तो छोड़ दिया, आधे से जो मालदार लोग हैं वही इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, कोई बाहर चले गए, वही बेचारे जब जाते हैं कितना 20 लाख भेजो 50 लाख भेजो, लोग तंग आ गए। तो हुकूमत को भी अपने इस जिम्मेदारी का एहसास कर लेना चाहिए। मैं कहता हूँ मैं खुद गवर्नमेंट हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं हुकूमत खुद हूँ कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर हूँ तो मैं खुद गवर्नमेंट हूँ। मैं कहता हूँ कि हमें भी एहसास है, हमें भी एहसास है। वजीर आजम साहब से बात हुई, आपने उन्हें बताया कि सर खुदारा कुछ करें कि ये तो हम तक हमले हो गए हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्योरली बिल्कुल उसका अपना एक है, मगर ये जो आप देखते हैं अगर यह स्वात में फौज आई ऑपरेशन हुई तो ये उन्होंने बुला दिए, सूबाई हुकूमत ने बुलाई थी, गवर्नमेंट ने, अगर प्रोविंशियल हुकूमत ने चाहे। अभी शांगला से और बुनेर से ये बहुत रिकॉर्ड की बात है, शांगला और बुनेर से जब नई हुकूमत आई तो उन्होंने कहा हमने इसको फौज से खाली कर दिया, जो जिस दिन से खाली कर दिया तो वही दहशतगर्दी जो दब गई थी दोबारा शुरू हो गई। तो हुकूमत की जिम्मेदारी मेन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, अगर हम सन में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर कराची में ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं तो सिंध हुकूमत हमारे साथ ही खड़ी है और वो कहते हैं कि बिल्कुल हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम मरकजों को सपोर्ट कर रही है। तो अगर ये दोनों अगर एक पेज पर ना हो तो एक काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये था अमीर मकाम सर, मेरा एक सवाल आपसे ये था कि आपने वजीर आजम साहब ने यकीन आपकी खैरियत भी दरियाफ्त की होगी जब आप पर हमला हुआ, तो जरा मुझे ये बताइएगा आपने उनको ये बताया कि हम जो है वो कब तक मुजाकरात का मरहला चलेगा या फिर कोई हिकमत अमली अब मुरतब की जाएगी, कुछ इस तरह की बात हुई आपकी अब तक वजीर आजम का क्या कहना था? पर जब मेरी बात होती है कई फोरम पर वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं और फिर वही बात उठाई जाती है जिस पर ज्यादा कंसेंसस हो, और अरे की अपनी अपनी राय होती है, मैं हमेशा अपनी राय का
इजहार करता हूँ और अच्छी सिमत में करता हूँ कि क्योंकि ये मुजाकिरात की बात हुई तो हम इसके खिलाफ नहीं, हमने ऑपरेशन के नताइज भी देखे। नहीं नहीं, मुस्लिम लीग नवाज को आपने मजबूत किया है खैबर पख्तूनख्वा में, कम अज कम अपने हलकों में, अपने इलाकों में, अपने एरियाज में, तो जाहिर है बदले के तौर पर आपकी भी वो सुनते तो होंगे ना मामला, जाहिर पार्टी आप मुशीर भी हैं, तो जरा कुछ मुझे ये बताएं कि कुछ वजीर आजम ने भी आपको बताया कि कुछ इस बारे में? मैं कहता हूँ कि हुकूमत की इस तरह नियत नहीं है ऊपर से कि ये लोग जो भी करें तो बस ये करते जाए, ये करते जाए, वो कहते हैं हम मुजाकिरात के लिए तैयार नहीं है और ये करते जाए और जो जो वाकत करते आराम से खैर है, ये इस तरह बात नहीं है। वो ये बात तो चूंकि निसार साहब की स्टेटमेंट भी आपने पढ़ी है, हाँ। सबके खुलकर भी है कि जो लोग पाकिस्तान की रेट तस्लीम नहीं करते उनके साथ किस तरह। सर वजीर आजम क्या कहते हैं? वजीर आजम भी जरूर ये मुल्क का वजीर आजम है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसका हर चीज का पता भी है और एहसास भी है, मगर पहले तो ये कोशिश जरूर कर लेनी चाहिए, पहले तो जो ये कोशिश कर रहे हैं तो जरूर कर लेनी चाहिए कि मजीद खून न बहे और इसके बगैर हुकूमत की रेट कायम हो जाए, ये तो सबसे जरूरी बात है। सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, लोग देखें मुझे जरा ये बताएं, अभी आप पे हमला हुआ, अभी तक क्लियर कोई स्टेटमेंट नहीं है, आप मुशीर हैं वजीर आजम के, पता चले कि भाई ये कौन लोग हैं हुकूमत की तरफ से, पता नहीं नहीं हुकूमत बताए ना सर, अमीर मकाम साहब हुकूमत बताए ना हमें ये कौन लोग हैं, वो तो इल्जाम मैं सर आप गुजारिश आपकी मान लिया कि हमने कर दिया है तो नहीं सर, उनके मानने से तो हम मान लेते हैं ना, हुकूमत हमें बताए क्या ये वही लोग हैं, क्योंकि चौधरी असलम साहब अब एक तरफ देखिए ना, फिर वो मतलब कहा जाता है तो फिर आप लोग खफा हो जाते हैं कि मतलब आप दोनों तरफ मरासिम कैसे चला सकते हैं, आपको ये तो तय करना होगा ना हक पर कौन था, या तो हम ये समझे जिन्होंने हमला किया वो हक पर हैं, या आप बच गए आप हक पर हैं, या चौधरी असलम शहीद हो गए वो हक पे थे, या जिन्होंने हमला किया, हम कंफ्यूज हैं, हमारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ये अपने आपको कंफ्यूज न रखे, बिल्कुल क्लियर रखे, और ये बात है कि हक पर बिल्कुल नहीं हो सकता है कि वही लोग जो लोग जो बेगुनाह लोग उनके खून बहा रहे हैं वो किस तरह हक पर हो सकता है, ये बात बिल्कुल हमारी हुकूमत की हरकत है, स्टांस नहीं है और ये नहीं है बिल्कुल, मगर ये है एक जमहूरी सिस्टम है, जमहूरी अमल है, हमने उन्होंने ये लोगों ने कहा सारी मुल्क, ये सिर्फ हमारी पार्टी का स्टांस नहीं है, ये पूरी पार्टी पाकिस्तान के पार्टी ने कहा कि चाहे मुजाकिरात। सर आप हकीमुल्ला के वाके पे भी आप सीखपा होते हैं, चौधरी असलम साहब की शहादत पे भी सीखपा होते हैं, हम क्या मकसद है? नहीं वो तो और बात है, वो हकीमुल्लाह की बात हुई तो हम कहते थे कि हमारी कोशिश थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बात दरमियान में ना आ जाए कि इसी ऐन वक्त पर आपने ड्रोन गिरा दिया कि उन्होंने। थैंक यू अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को स्टूडियो में लाएंगे और इससे मुतालिक भी पूछेंगे, एक तो हुकूमत की कंफ्यूजन सिर्फ इस मामले में नहीं है और भी मामलात में दिखाई दे रही है, जिस पर कहा जा रहा है कि बहुत गौर वखोज किया जा रहा है, उसका नतीजा हमारे सामने कुछ भी नहीं आ रहा, कम से कम कुछ चीजों की नतीज तो हमारे सामने हो, हमें वो भी दिखाई नहीं दे रहे। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। फरीद पर आ जाता, वक्त जाया किए बगैर आपकी तरफ आता हूं, जरा एक तो आप सुन रहे थे अमीर मकाम साहब की गुफ्तगू, सिर्फ एक दहशतगर्दी का मामला नहीं बल्कि और भी कई ऐसे पहलू हैं जिन पर गुफ्तगू की जा सकती है जहां हुकूमत की कोई डायरेक्शन हमें दिखाई नहीं देती, संजीदगी से गौर किया जा रहा है बहुत सारी चीजों पर लेकिन जवाब यह आता है कि थोड़ा आराम कीजिए, सब्र कीजिए, अभी वक्त इतना नहीं हुआ। किस तरह आप मुल्क को इस तरह चला सकते हैं अगर हर मामले पर आप अपनी दानिशमंदी सवाल के जवाब में ये कहें कि जनाब सब्र कीजिए हो जाएगा अभी इतना वक्त नहीं हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फिलवाकिया वो जो इकबाल ने कहा है कि मेरी सुराई से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं, तो यहां तो हर रोज कोई एक नया हादसा, कोई नए हवादिस है, और जो आम आदमी की तवक्कोआत थी उसका जितना बुरा हाल हुआ है, यानी ये महसूस हुआ कि इनके पास ना कोई वर्किंग प्लान था, ना इनके पास कोई इख्तदार पे आके काम करने का कोई लाहे अमल है, और ना इनके पास कोई पॉलिसियां हैं, वही पॉलिसियां के जो नाकाम हो चुकी हैं मुशर्रफ दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, आईएमएफ से आप कर्जे ले लें ये पॉलिसी, नोट छापने शुरू कर दें ये पॉलिसी, फिर इसी तरह से ये पॉलिसी के जनाब बिलवास्ता टैक्स बढ़ाते चले जाए और बिजली गैस हर चीज में, तो इन्होंने वही रास्ता इख्तियार किया है और उससे ज्यादा बदतरीन शक्ल में इस्तेमाल किया है कि आते ही जीएसटी के अंदर इजाफा कर दिया, फिर उसके बाद बदतरीन शराइत पर आईएमएफ से कर्जा लिया। राजा साहब मैं कतई कलामी की माजरत चाहता हूं, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से ज्यादा बदतरीन हुकूमत चला रहे हैं? जी बिल्कुल, हम अवाम तो इसी तरह देखते हैं ना जी, आम आदमी को यह पता है कि मुशर्रफ दौर के अंदर आटा किस तरह मिलता था, आज किस तरह
पीपल्स पार्टी के दौर में क्या था आज क्या है। अगर 50 रुपए किलो आटा है, अगर मोबाइल कार्ड जो है वो पहले 18 रुपए कटता था 100 रुपए पे और अब 25 रुपए कटता है, तो आम आदमी के तो बैरोमीटर यही है, उसने तो यही देखना है, उसको तो तकरीरों से और आपके गा घी से और हो जाएगा। अपने इससे उसे अपने, अपने दौर में जब सूबे में हुकूमत थी तो 2 रुपए की रोटी और अब 10 रुपए की रोटी। जी बिल्कुल है, और इसके अंदर जितनी आप चीजें चलते चले जाएं, यानी गरीब आदमी जो है वो तो सारे महीने की अपनी कमाई ला के बिजली और गैस के बिल भी नहीं दे सकता, जो मिलती नहीं है, यानी ना बिजली मुयसर है ना गैस मुयसर है, यानी क्या करे कोई यहाँ पर, और बिल आ रहे हैं वही इंतहाई खौफनाक किस्म के। तो ये इंतहाई नाकाम आगाज हुआ है इनका, और उसके साथ थे ये बात भी बिल्कुल वादे हो गई कि इनके पास अमन आमा के लिए, इनके पास जो है वो बेहतरीन गुड गवर्नेंस के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए सिरे से ना कोई मंसूबा बंदी है, ना कोई प्लानिंग है, ना हदफ है, ना टीम है, ना इनके कोई आजाइम है, और ये सारा सिलसिला इस एक तवक्को पे चल रहे हैं। दो तरह की तवक्कोआत है, एक ये है कि जी मतलब लोग तो हमारे साथ बंधे हुए हैं, ये हमें ही वोट देंगे, और दूसरा ये है कि जी हमें बाहर से सपोर्ट मिल जाएगी। तो इस इन तवक्कोआत के ऊपर चलने वाली हुकूमतें कभी भी आवाम की तवक्कोआत पर पूरा अच्छा, नहीं होता। अच्छा साहब, ये बताइएगा अमन होगा, मशरूत है अमन, जो सरमायाकारी है वो मशरूत है अमन से, अमन होगा तो सरमायाकारी होगी। अब अगर हुकूमत अमन की डायरेक्शन ही हमें अभी तक नहीं समझ आ रही, कभी मौलाना समीउल हक साहब को टास्क मिलता है कभी कहते नहीं दिया, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब को कभी कहते नहीं दिया, कभी कहते हम खुद लीड कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, कोई और कर, इतनी कंफ्यूजन, और उसके बाद जब अमन ही कायम नहीं होगा तो फिर कौन सरमायाकारी करेगा और मईशत कहां से जो है वो उठेगी? फिर तो IMF और वर्ल्ड बैंक ही हमारे ऑप्शन है ना जी। आदल यही बात है ना कि यानी इतना बड़ा मैंडेट मिला, एक तरफ अवाम की तरफ से 2/3 मेजोरिटी, उससे भी बढ़ के मैंडेट मिल गया, फिर तमाम सियासी जमातों ने इन्हें मैंडेट दिया कि जी ठीक है आप मुजाकरात करें, यानी इतना खुला फ्री हैंड जिनके पास हो, उसके अंदर इतना अरसा गुजर गया है, ये गोशवारा कौम के सामने पेश करें कि क्या इन्होंने किया है। आज तक कोई ठोस इकदाम, कोई संजीदा कदम वो तो हमारे सामने नहीं आया। जिस वक्त ड्रोन हमला हुआ है उस वक्त इन्होंने कहा 3 आदमी जा रहे हैं, लेकिन आज तक उनके नाम नहीं बताए गए कि वो कौन से 3 आदमी थे। इसी तरह मौलाना समीउल हक साहब से अगर एक बात हो गई है सरे राय, तो उसको हम कोई ठोस और संजीदा कोशिश जो है वो शुमार नहीं कर सकते। बैसीयत मजबूरी जिस अजाब के अंदर हम पड़े हुए हैं और जिसको रोज भुगत रहे हैं, उसके लिए कोई मंसूबाबंदी, कोई पेशरफ्त, कोई जाहिरी, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं है। यानी यूं लगता है कि बनी बनाई पॉलिसियां जैसे पहले आती थी उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं जरा आयतुल्लाह दुरानी साहब की तरफ जो है वो आता हूं। सर वो पराचा साहब तो कह रहे हैं आपकी हुकूमत जो है वो अच्छी लग रही है उन्हें, हालांकि बड़े सख्त क्रिटिक थे आपके, मगर क्या जादू आप लोग जो है वो करके गए कि नून वो बद और बदतर और बदतरीन वाली बात है, ये अच्छे नहीं हो गए। नहीं लेकिन पराचा साहब आपकी दलील में बड़ा वजन है कि लोग मुशर्रफ दौर की रोटी काउंट कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि जमहूरियत और आमरियत का फर्क जो है वो उनको रोटी फराहम नहीं कर सकेगा। अब लोग रोटी मांग रहे हैं, लोगों को जो है वो बिजली चाहिए, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग जो है वो सर्दियों के अंदर जो है, और बिजली की लोड शेडिंग 10-10 घंटे। मैं जरा आपकी हुकूमत वो कह रहे हैं बुरी थी, बद थी, लेकिन अब बदतरीन से हमारा वास्ता है, क्या करके गए आप नून लीग के लिए तो बिल्कुल मसाइल खड़े करके चले गए। हमें बदनाम हो गए आप लोगों की दोस्ती में। मैं समझता हूं कि पराचा साहब ने हक गोई की है, जो एक हक गो सियासतदानों के सफ में सफे अवल के आज अमीर मकाम साहब ने भी हक गोई की है। करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। देखिए इस मुल्क को बचाने और चलाने के लिए सच के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। झूठ और फ्रेम और धोखे के साथ रखना और इसके बाद झूठ पर मबनी एक प्रोग्राम को लेकर के चलना, इसका नतीजा आखिरकार हो जाए। मसलन जैसे भी है, मैं नहीं कह सकता कि राजा साहब नए नए MNA आकर के बैठे हैं, हुकूमत है, लेकिन जहां उनके 5 साल हमारे खिलाफ झूठ का पलंदा हो रहे थे, आज वो पूरे कौम के सामने आ गए। अगर वो उस वक्त सच बोलते, आज उनका सच का मसला उनके सामने आ चुका होता। उन्होंने उस वक्त सिर्फ वो दुष्नाम यानी लोगों पर तोहमत बोहतान लगाना शुरू किया, इल्जाम की सियासत की। इल्जाम की सियासत में चूंकि वो हुकूमत भी चला रहे थे, अब चूंकि हुकूमत का 10 करोड़ अवाम की हुकूमत पंजाब में उनके पास थी, मरकज में भी वो हमारे साथ रहे, हर जगह हम एक दूसरे के साथ थे। अगर वो उस वक्त इल्जाम की बजाय संजीदगी से हमारे सिस्टम को चलने देते और उसको लेकर के चलते,
भले उसके बीच में उठा करके चलते लेकिन सच पर चलते। आज वो इतना बद नजर ना आते जितना आज वो बद नजर आ रहे हैं। क्यों? कि तमाम चीजों पर जब हम लोग कोई प्रोग्राम करते थे वो कहते थे कि जी 17% जो पैसा कटता है ये जरदारी का जो है ना 100 रुपए में से जरदारी के लिए चला। किसका कट रहा है? अभी मैं नहीं कह सकता, रांझा साहब बता सकते हैं कि 25% या 30% जो है ना वो किसके लिए जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वजीर आजम का नाम होगा। सवाल कर लूं अगर आप शेर भी है कि आज इतनी भी मयसर नहीं है खजाने में जितनी पीपल्स पार्टी वाले छोड़ गए थे बजट के तराने में। जो छोड़ के गए थे उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से मैंने बजरा एडिट कर दिया। आई नो बिल्कुल आपने एडिट किया, आपने अपनी जो शायरी है उसका बिल्कुल टेक लिया यहाँ पे लेकिन बात यह है कि जो ये छोड़ के गए पीपल्स पार्टी वाले वो अगर मैं यहाँ पे शामे गरीबा पढ़नी शुरू करूं तो मेरे ख्याल से आपका प्रोग्राम के 30 मिनट छोड़ के 30 घंटे भी कम होंगे। सर उसमें तो आप लोग कामयाब हैं। ठीक है, अगर मैं उस पे शुरू मैं अब देखे ना मेरी एक गुजारिश ये है कि अब जो गेम देखे ना यही तो मसला के पॉइंट स्कोरिंग की बात हो रही है। अब प्राचा साहब ने बड़े आराम से बैठ के वहां पे एक बात की, बात हो रही है दहशत गर्दी के ऊपर, बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। तो मैं पहले तो इनसे ये पूछूंगा जहां पे आप ये कॉलिशन में है ना, ये गवर्नर्स के जवाब दे हैं केपीके में, ये इमरान खान के साथ कॉलिशन पार्टनर है वहां पे, तो इनसे जरा ये तो पूछे कि जब आपके वजीर आला साहब तालिबान को भाई कहते हैं, जब आपके इमरान खान साहब अकोड़ा खटक में जाके पोलियो के कतरे पे ला देते हैं बजाय के हंगू में जाके पिशावर में जहां पे पोलियो कैंपेन के वर्कर्स के ऊपर हमले हुए वहां पे जाएं, वो ऐसी सेफ जगह पे जा रहे हैं कि वेस्ट को भी राजी कर रहे हैं और तालिबान को भी राजी कर रहे हैं, और जहां पे जाके इत्तेजाज हुसैन जैसे नौजवान शहीद लड़के की जो रिकग्निशन है फ्रॉम द स्टेट वो एक हफ्ता लेट कर दी जाती, तो डबल स्टैंडर्ड्स तो इनके हैं। मैं ये बात करना नहीं चाहता था लेकिन जहां से प्राचा साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं एहतराम करता हूं, जहां से बात इनकी मैंने सुनी तो मुझे डबल स्टैंडर्ड्स की पॉलिटिक्स मेरे दिल में भी चली कि देखो इससे बड़े डबल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे कि आप एक तरफ मुल्क को और आप जहां पे एक तरफ ड्रोन हमले के खिलाफ है तो आपने कभी ये नहीं पूछा कि आपकी सरजमीन पे वो जो 7 बैरूनी ममालिक से दहशतगर्द आके 10 दहशतगर्द आके आपकी जमीन पे बैठ के आपके मुल्क में हमला करने के लिए काम कर रहे हैं, आपने उनकी रोकथाम के लिए क्या कहा? ठीक है, मैं जरा इसका रिस्पॉन्स प्राचा साहब से लूंगा, जरा 1-2-4 जिमनन सवाल आपसे कर लूं। क्या नून लीग कि मैं आता हूं प्राचा साहब आपकी तरफ, क्या नून लीग के रहनुमा गए किसी दहशतगर्दी के वाकये में शहीद होने वाले लोगों के घरों पे अब तक? जी खान साहब ने चाहे किसी भी जगह जाके काम, मैं बताता हूं कि नून लीग के रहनुमा आज से नहीं पिछले 5 साल से हमारी पंजाब गवर्नमेंट जब से हुकूमत है, दाता साहब में एक हमला हुआ था और एक वहां पे गार्ड था, उस गार्ड ने पीछे से दहशतगर्द को पकड़ा था। पंजाब से तो इनकार नहीं कर रहे, पंजाब में तो गए हैं। वैसे रहनुमा की आपने बात की ना सर, मैं कह रहा हूं आपके जो मसला नहीं है, मुल्क का मसला है। सितारा जो सितारा शुजात दिया गया प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी दिन उसको कहा कि जिसको सितारा शुजात दिया जाए। तो फिर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें ये नहीं समझ आ रहा, आप हकीमुल्ला के वाके पर भी जो है पार्लियामेंट में बहुत शोर मचाते हैं कि जी वो फलाना और अमरीका ने गुजारिश सुन लेना सवाल का तो हक दे ना मुझे। कराची में आप चौधरी असलम साहब की शहादत पे भी कहते हैं कि जी ये, हालांकि अभी तक कोई खैर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो अपने तौर पे कहा, तो हम किस तरफ से देखें हुकूमत के रियासत के मामलात को, उस तरफ से जो हकीमुल्ला महसूद की हलाकत के बाद पेश आया उस बयान को अपनी पॉलिसी समझें या इस बयान को समझें जो चौधरी असलम शहीद के बाद हमें देखने में? देखिए जी, इस वक्त तमाम बड़ी जो हमारे मुल्क की मेन जमातें उनके नुमाइंदगान सुने बैठे भी हैं, प्राचा साहब भी हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि आप एक चीज को देखें, जब हमारी हुकूमत कायम हुई और एपीसी हुई उस वक्त एक नेक नीति से कोशिश की गई, पीटीआई ने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की, लेट्स गिव पीस अ चांस, और उसमें हमें हमारे उस वक्त वो जनरल शहीद हुए मिलिट्री के, हमारे उसके बाद और भी हमले होते रहे, पीटीआई के गंडापुर साहब इनके लॉ मिनिस्टर थे वो शहीद हुए, एक और एमपी इनके शहीद हुए, उसके बाद फिर ये अभी अनफॉर्चुनेटली जो पिछले एक हफ्ते में वेव चली है, देखें एक नेक नीति से ये कोशिश की थी कि राजा साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, आई हैव टू डियर मैं एक ब्रेक ले लूं नाजिन, ब्रेक के बाद इस पे फरीद पराचा साहब से भी रिस्पॉन्स लेंगे और मोहसिन राजा साहब को भी बात मुकम्मल करने का मौका देंगे। वेलकम बैक राजा साहब, अपना पॉइंट कंप्लीट करें ताकि मैं फिर मैं बिल्कुल गुजारिश करूंगा कि जहां पे जब ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ, शुरू में नेक नीति से ये चीज की गई कि यार लेट्स गिव पीस अ चांस और कोशिश की गई, कुर्बानी भी दी गई, अपने आप को रिसीविंग एंड पे भी लाया गया, अपने आप को डिफेंसिव भी किया गया बजाय के ऑफेंसिव के, और उसमें यही था कि लेकिन फिर एक ड्रोन हमला हुआ,
अब वहां पे जब ड्रोन हमला हो रहा है, जिन लोगों को हम एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके साथ माजी में जो लोग क्लेम करते थे कि ये ड्रोन हमले जो है इसकी वजह से सुसाइड बॉम्बर पैदा होते हैं, जब हम उनको एतमाद में लेने की कोशिश करते हैं कि चले एक उनकी भी बात मान के देख लेते हैं, ये भी टेक ले लेते हैं, अगर वो कहते हैं कि ड्रोन हमले बंद करेंगे तो ये काम खत्म हो जाएगा, तो अभी हम उनको एतमाद में ले रहे थे, ऊपर से एक ड्रोन हमला हो गया, तो हमारे प्रोसेस को सेबोटेज करने के लिए यहाँ पे बड़े इंटरनेशनली तौर पे प्लेयर्स मौजूद हैं जो इस हमारी रीजन की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बिलियन डॉलर जिनसे आप जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखिए आप इधर आपका 6.2 बिलियन अप्रूव किया चार दिन बाद अटैक कर दिया। एक मेरी आप बात सुने, बैगर्स आर नॉट चूजर्स, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है कि आप ये बैगर्स हमें ऑपोजिशन के दिनों में ये क्यों कहते हैं, ये मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ है ड्रोन, पीपल्स पार्टी के दौर में ड्रोन नाजायज है, मुशरफ साहब के दौर में नाजायज है, आपके दौर में कह रहे हैं नाजायज है, हम तो उसके बारे में हर जगह यूएन में जाके गए हैं, हमने तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को साथ बिठा के स्टेटमेंट दिया कि आप गलत काम कर रहे हैं, इसको बंद करें, वो तो नहीं रुकेंगे। और हमारे पार्लियामेंट में चौधरी निसार साहब ने जब ड्रोन हमला हुआ कितना उन्होंने सर, वो तो नहीं रुकेंगे, आप अन्नाने हुकूमत ऐसे ही चलाएंगे, वो नहीं रोका। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद जब ये पिछली वेव चली है, हम तो साथ साथ अगर चौधरी असलम का वाकया हुआ है एतजाज के ऊपर पीटीआई और जमात इस्लामी तो आज बोले सोमवार को, एक हफ्ते बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हफ्ता पहले सितारा शुजात उस लड़के को दे दिया था। सर आपको पता है चौधरी असलम साहब को जो कॉल आई थी, देखिए मुझे सारी पता है ना डिस्कशन का पता है, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमारी तो वजीर आजम से भी बात होती है, गवर्नर से भी बात होती है, हमारी तो बड़े आला हुकाम से भी बात होती है, कल हमारे मुजाकरात हो गए और कराची अगर हमें दे दिया गया तो आप कहां, आपकी क्या स्टैंडिंग है, आप कहां खड़े हुए हैं, इस मुल्क के लिए कौन लड़ेगा सर जी, कौन खड़ा। मैं आपको एक जो आपकी बात ठीक है, अब हमारे देखिए मैं खुद फेसबुक पे मेरी बड़ी फॉलोइंग है, सोशल मीडिया के टूल्स में देखता हूँ लोगों का जो पब्लिक पॉपुलैरिटी है फॉर नेगोशिएशन वो आहिस्ते आहिस्ते डिक्लाइन जा रही है। शुरू में पीटीआई के भी हमारे भी इलेक्शन मैनिफेस्टो पीटीआई का देख ले, उसके बीच में इन्होंने क्लियरली कहा है कि जी हम ये सब कुछ करेंगे। इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो खैर कई चीजों पे परफॉर्मेंस के लिहाज से, सोशल वेलफेयर के लिहाज से पीटीआई की केपीके में गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, लेकिन वो डिस्कशन का ऐसा नहीं, मैं उसमें बाद में। लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम फरीद पराजा साहब। पराजा साहब कुछ सवाल उठाए राजा साहब ने आपकी तरफ भी, आप बजाय इसके मेरा ख्याल मेरी अब दरख्वास्त होगी बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम में जाएं, जरा कोई कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं कि क्या इस वक्त जो स्टेटस है हुकूमत का, डायरेक्शन वाला सवाल भी नहीं करते, कोई एक ऐसा सेगमेंट है जिस पर हुकूमत ने जरा दिलजमी से काम किया हो या फिर वहां पर आपको दिख रहा हो कि हाँ कम से कम एक मामले में तो बड़े स्मूथ जा रहे हैं। कराची की हद तक इन्होंने कुछ कोशिश की है और उसके नतायज भी हैं। ठीक। और ये के अगरचे उसको हम ये कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ होने वाला बाकी है और उसमें सूबाई हुकूमत भी है, मरकजी हुकूमत भी है, लेकिन असल मामलात तो ये है कि कोई ठोस पॉलिसियों की जरूरत है। अभी जो हम हेलो गालिबन शायद उनकी आवाज जो है साफ नहीं आ रही। दुरानी साहब एक तो वो उनकी आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है हम तो पीस को चांस दे रहे हैं, कर रहे हैं सारे मामलात को, ड्रोन हो जाता है, मजबूर हैं, परेशान हैं, उनके लिए मसाइल हैं बहुत सारे और आपकी हुकूमत का बहुत सारा वजन जो है वो उनके ऊपर है, जिसकी वजह से वो IMF और वर्ल्ड बैंक और दूसरों के जो है वो प्रेशर में। ऐसी कोई बात नहीं है, दादा अब्बा का बोझ उठाना पड़ेगा पोते को, ये उठा रहे हैं क्योंकि हम लोग मुशरफ के जमाने का उठा चुके हैं तो इनको उठाना पड़ेगा। एक तसलसल के साथ एक पॉलिसी आ रही है पाकिस्तान की रियासत की, हुकूमतों की नहीं, हुकूमतों का मैं हूं या इनकी हुकूमत आ जाए वो एक बस्ता मिल जाता है जिसमें से आपको सिर्फ वो गाइडलाइन पढ़ना पड़ेगा और बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड की बात है। मैं समझ लिखा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं भाई, ये भी वही पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ रहे थे, हमें भी जो दे करके पढ़ाने के लिए दिया गया था हम वही पढ़ रहे हैं। पराचे साहब हम सब मिल करके जो पार्लियामेंट है ना, पढ़ सबक सदाकत का। हाँ हाँ, बस इसके बाद अगर कुछ लफ्ज आपने अपने से ऐड कर लिया तो आप दुश्मनदारी नंबर दुश्मनों के सफे अव्वल के मेंबर कहलाएंगे। ठीक है, मैं पराचे साहब से जरा इसीलिए रिस्पॉन्स ले। जी पराचे साहब, ठीक है कि जो कुछ बना बनाया मिल जाता है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। देखे ना, मामलात के हल बेशुमार दीगर मौजूद है, अगर हमने बाकी मुल्क को तब्दील करना है तो उसके लिए दूसरे रास्ते हैं, उसके लिए IMF से पैसे लेने और बाहर से डिक्टेशन लेने और ये के मुअद्दबाना गुजारिश करने और फिदवी गुजारिश करता है ये अंदाज छोड़ने होंगे। अब उसके लिए क्या चीज जरूरी है कि आप अपने पैसे यहां पाकिस्तान के अंदर ले आए, जो लूटी हुई दौलत है वो वापस आए, जो सरमायाकारी आपकी अपनी बाहर है वो पाकिस्तान के अंदर करे, एतमाद पैदा करे। जब ये एतमाद पैदा होगा तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी हमारा साथ देंगे और फिर ये सारी बातें जो आज हम कर रहे हैं, अवाम पे बोझ है, हम कुछ कर नहीं सकते,
वहां से डिक्टेशन आती है, ये सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन अगर आपने वही सब कुछ करना है और उसके बाद अपने पैसे भी आपके महफूज रहे, आपके बच्चे भी बाहर पढ़ते रहे, आपके लिए सारी सहूलतें जो है वो बाहर मौजूद रहे, तो फिर उसके बाद हम कोई तब्दीली, और जो सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का निजाम है इसको खत्म करके कुछ ये भी तो मुल्क और कौम के लिए दें। ये रास्ते हैं जिससे हम कोई फर्क डाल सकते हैं, वरना ना अमन कायम होगा, ना गवर्नेंस होगी, ना लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा। ब्रीफ कॉमेंट कीजिएगा, वी आर रनिंग आउट ऑफ। देखिए जी, GDP इन द लास्ट फ्यू मंथ्स हमारी बेहतर हुई है, जो जहां से पीपल्स पार्टी ने हमें बागडोर मुल्की वहां से, इन्फ्लेशन जो है उसमें कदरे बेहतरी आई है, 1700 मेगावाट बिजली के एक्स्ट्रा नेशनल ग्रिड में, अपने पीरियड में जो इन्फ्लेशन है उसी में कदरे बेहतरी आई उसमें, क्योंकि जो 7 महीने पहले की और इस इन्फ्लेशन में तो बहुत बड़ा फर्क आ गया। जी अभी उसमें 200% महंगाई, जो महंगाई है उसके बीच में अब आप ये देखिए कि आप देख ले, आप यहाँ पे देखें GSP प्लस का स्टेटस मिला, एक अरब का वो ट्रेड हुआ चाइना के साथ और टर्की के साथ, तकरीबन 2-3 अरब मिलियन डॉलर के ट्रेड के एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। अब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर यूथ सपोर्ट, नौजवानों के लिए एक स्कीम शुरू हो चुकी है, ये वो तमाम मतलब कह रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट्स, ये वो तमाम ये वो तमाम दौरे हैं जो जरदारी साहब करते थे, आप लोग तनकीद कर रहे थे। नहीं देखिए, बस ये फर्क इतना है, जब सामने आ रहे हैं तो थोड़ा सा हौसला, वो जरदारी साहब को रिस्पॉन्ड कीजिएगा, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। 5 साल गुजार लिया इन्होंने, तो एक कमाल किया इन्होंने नेटवर्क। अच्छा, मैंने अपना जैसा प्रोग्राम के शुरू में भी ये बात कही थी कि हुकूमत की जानिब से इन्नल्लाह मा साबरीन का दर्द जो है वो दिया जाता है। राजा साहब ने आखिर से भी ये कहा कि सब्र करें, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर अल्लाह मुकम्मल तौर पर जाहिर है सब्र करने वालों के साथ है, लेकिन सब्र कभी कभार पड़ जाता है। 70 मिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड इनकी जो नेटो सप्लाई इन्होंने बंद की है ना, 170 मिलियन US डॉलर का ट्रेड जो है वो ईरान की तरफ चला गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बेहतरी लेकर आए मोहसिन शाहनवाज, राजा साहब, आयतुल्ला दुरानी साहब, फरीद प्राजा साहब, अबीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।